अवकाश, अकाल, आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है तो लोग गांव छोड़ जाने को बाध्य हो जाते हैं। गांव, बस्तियां, नगर उजड़ जाते हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। की भौगोलिक विशेषताएं। हमारे भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। भारत के अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इस भूप्रदेश को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया का विचार करें तो निम्न छह भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्खन का पठार, समुद्री तटों के प्रदेश, समुद्र में स्थित द्वीप। कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी हुई है। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है, परंतु हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा भारत में आए। तू गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। यह मैदानी प्रदेश तीन बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की घाटियों से बना है। यह प्रदेश पश्चिम में सिंध पंजाब से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसी प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरीय हड़प्पा संस्कृति और उसके पश्चात प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों एवं साम्राज्यों का उदय हुआ। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। इसके उत्तर में सतलुज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत की श्रेणियां, दक्षिण में कच्छ का रण और पश्चिम में सिंधु नदी है। हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम होता है और यह नदी थार के मरुस्थल में पहुंचती है। का पठार एक और पूर्वी तट और दूसरी ओर पश्चिमी तट और इनके बीच में स्थित भारत का भूप्रदेश दक्षिण दिशा में शंक्वाकार होता गया है। इस पठार के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन ओर से पानी से घिरा यह भूभाग समुद्र में किसी पर्वत की त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई देता है। इस भूप्रदेश को प्रायः द्वीप कहते हैं। तटों के प्रदेश। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्री मार्ग से चलता था। हम स्वर्ग भारत के समुद्री बंदरगाहों से विदेशी संस्कृतियों और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। कालांतर में सड़क मार्ग से भी व्यापार और संचार प्रारंभ हुआ, फिर भी समुद्री मार्ग का महत्व बना रहा। खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार भारतीय द्वीप है। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्राचीन समय में चलने वाले समुद्री व्यापार में इन द्वीपों का महत्व रहा होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर की जानकारी पुस्तिका नामक पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है।